राणा जी जवाब तो देंगे ना मेरी चिट्ठी का? बाबूजी आप सच में आज मेरी सगाई कर रहे हैं? बाबूजी बोलिए ना। अपनी बेटी की शादी राजमाता प्रियंवदा सिंह देव जी के बेटे आमिर कोट के राजा राणा इंद्रवदन सिंह देव जी के साथ कर दीजिए और दहेज में अपना सारा कर्जा माफ कर दीजिए। मत बोलिए, जब आप चुप होते हैं ना तब भी आपकी आंखें बोलती है और आपकी आंखें कह रही है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आप मेरी खुशी चाहते हैं। क्या सच में ये रिश्ता मुझे खुश रखेगा बाबूजी? हाँ चुप करिए, मैं तुझे खुश देखना चाहता हूँ और भगवान जानता है कि उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं कर रहा हूँ। आज तेरा रिश्ता होकर ही रहेगा। मुहूर्त का समय हो रहा है तो अब सगाई की रस्में शुरू करें? क्यों नहीं? हमारी तरफ से शगुन है ये जेवर, ये साड़ियाँ। और देखो अगले साल मुझे आंगन में भतीजा चाहिए। श्याम बेटा, गायत्री बहुत ही भाग्यशाली है जिसे तुम जैसा भाई और अंबुजा जैसी भुजाई मिली है। और ना ऐसी लड़कियां तो बस कुंवार ही रह जाती है। नहीं नहीं जीजी, ये रिश्ता तो आपके बड़प्पन से हो रहा है, नहीं तो कौन ब्याहता है इस अभागी को? अरे क्या कमी है तुझे? मन चाह खाती है, मन चाह पहनती है, जीने के लिए क्या चाहिए तुझे? और सम्मान। सम्मान? जी हाँ सम्मान। शायद भगवान जी मेरे भाग्य में सम्मान लिखना भूल गए, लेकिन मेरे बाबू जी ने मुझे पढ़ना और लिखना सिखाया, इसलिए अपने खुद अपने भाग्य में सम्मान खुद लिखूंगी। आपकी हाँ या ना पर आपकी बेटी का भविष्य टिका है। वो एक मामूली लड़की बनकर जिंदगी काट सकती है या आमिर कोट की रानी बनकर जिंदगी जी सकती है, फैसला आपके हाथ में है। जो सम्मान आप मेरी बेटी को देने की बात कर रही है वो सम्मान पहले आप उसे देकर दिखाइए। अगर आज शाम 6 बजे से पहले आपने मेरे घर आकर मेरी बेटी का हाथ मांगा तो गायत्री का विवाह राणा जी के साथ होगा, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मेरी बेटी की सगाई किसी और के साथ हो जाएगी। सुनो सुनो, राजमाता सेठ गोविंददास के घर पधार रही है।
राजमाता हमारे घर हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई? गोविंद सेठ से तो कभी भूल कर भी भूल नहीं होती। हमें अंदर नहीं बुलाएंगे सेठ जी? आइए ना। शगुन रख दीजिए। धन्य हो गए राजमाता, हमें नहीं पता था कि हमारे समधी के घर राजमाता का आना जाना है। समधी? हाँ, मेरे भाई के साथ आज गायत्री की सगाई हो रही है। सगाई हो रही थी। नहीं नहीं नहीं, अभी रस्में बची हैं। अब सिर्फ एक ही रस्म बची है, विदाई की। राजमाता, अभी तो शादी पूरी हुई भी नहीं है। हम दुल्हन की बात नहीं कर रहे, हम इनकी बात कर रहे हैं। और राजमाता, गायत्री का रिश्ता? जिसका रिश्ता राज परिवार से जुड़ गया हो, उसका रिश्ता कहीं और नहीं जुड़ सकता। गायत्री का रिश्ता राज परिवार के साथ? राजमाता आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती है। गायत्री, क्या आप हमारे बेटे इंद्रवदन से शादी करेंगे? क्या आप हमारे राणा जी की रानी बनना स्वीकार करेंगे? रिश्ता स्वीकार करना तो हमारा सौभाग्य होगा राजमाता। आप लोग अभी तक गए नहीं? जी, हम आपके दर्शन करने के लिए रुके थे। कहते थे कि मेरी बेटी अभागन है, यहाँ तक कि मैं भी अपनी बेटी के भाग्य को कोयले की खान समझकर कोसती रही, पर आज पता चला कि कोयले की खान में ही हीरा मिलता है।
बड़ी भाग्यशाली आप। चांद को देखते तो सब है, लेकिन चांद को छूना किसी किसी के भाग्य में ही होता है। अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। भगवान करे आपको इस बदलाव को संभालने की शक्ति दे। लीजिए। गायत्री, राजमाता के पांव छू। तकदीर रूठी रहे तो सबसे बड़ी दुश्मन होती है, और मुस्कुराए तो सबसे बड़ी दोस्त। भगवान करे आपकी और तकदीर की हमेशा दोस्ती बनी रहे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मेरे सपने सच हो गए। राणा जी ऐसा जवाब देंगे मेरे खत का, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब राजमाता आज्ञा चाहती है। आपने जैसा कहा था राजमाता ने वैसा ही किया। अब आपके करने की बारी है। शादी धूमधाम से होगी और खर्चा आप करेंगे। जी राजमाता, जब सवाल मेरी बेटी की खुशी का हो तो मैं पैसों का मुंह नहीं देखूंगा। मेरा आपसे वादा है ये शादी इतनी धूमधाम से होगी जैसी पहले आमेर कोर्ट में न कभी हुई थी और न कभी होगी। हमें आपसे यही आशा थी, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, भले ही आप पैसा खर्चा कर रहे हैं लेकिन राजमहल का रुतबा, राजमहल की शान आपसे ऊंची लगनी चाहिए। भले ही नीचे वाले सोने की सीढ़ी चढ़कर आसमान तक पहुंच सकते हैं लेकिन आसमान पार नहीं कर सकते। जी। राजमाता आपकी बेटी की इज्जत आपको सही सलामत लौटा रही है। आखिर गायत्री की इज्जत अब राजमहल की इज्जत है। तेरी उम्मीद रंग लाई बिटिया, भगवान का लाख लाख शुक्र। राणा जी ने मेरे खत का जवाब दिया। आपने हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। हमने राजकुमारी शर्मिला के बारे में जो आपसे पूछा था उसका नतीजा क्या हुआ ये आप भी जानते हैं और हम भी। इसीलिए आमिर कोर्ट के लिए जो हमने सही समझा वो आपसे बिना पूछे कर दिया। आमिर कोर्ट के राजा हम हैं, यहाँ हर फैसला हम लेते हैं। ये जरूरी नहीं कि राजा का हर फैसला सही है।
ये हमारी जिंदगी है और हमारी जिंदगी का फैसला करने का आपका कोई हक नहीं है। राजा की जिंदगी उसकी अपनी जिंदगी नहीं होती। राजा की जिंदगी पर हक सिर्फ प्रजा का होता है। अगर आप सिर्फ इंद्रवदन होते तो आपको मोहब्बत करने की और मोहब्बत की याद में सारी जिंदगी बर्बाद करने की पूरी आजादी होती। लेकिन आप राणा इंद्रवदन सिंह देव हैं। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हम एक राजा से बात कर रहे हैं या एक प्रेमी से, और हम ये जानना चाहते हैं कि ये सवाल किसका है, एक माँ का या फिर आमिर कोट के राजमाता का। अगर एक माँ हमसे ये सवाल पूछ रही है तो हम उन्हें कहेंगे कि वो अपने बेटे को उसकी जिंदगी जीने का हक दे, और अगर एक राजमाता हमसे ये सवाल पूछ रही है तो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि उनकी गलती की सजा हमें क्यों मिल रही है। जब हम आमिर को छोड़ के गए थे तो इस रियासत पर कोई कर्जा नहीं था। कर्ज किसने लिया? आपने। रियासत की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? आप। तो फिर सजा हमें क्यों मिल रही है? हमारी सुलक्षणा की यादों को क्यों मिल रही है? क्योंकि अगर आपने हाँ नहीं की तो गलती किसी की भी हो, सजा आमिर कोट की प्रजा को ही मिलेगी। रैना जी, आपको क्या लगता है, बड़े रैना जी और हमारा रिश्ता प्यार से बंधा था? नहीं, राजाओं का रिश्ता दिल नहीं राजनीति तय करती है। जो रियासतों के राजा होते हैं वो दिल के राजा नहीं बन सकते। आप तो बहुत खुशकिस्मत थे कि आपको सुलक्षणा जैसी संगनी मिली, मगर अफसोस वक्त ने उसे आपसे छीन लिया। लेकिन उसके प्यार को बहाना बनाकर आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं चुरा सकते। हमारे प्यार को बहाने का नाम देकर उसका अपमान मत कीजिए राजमाता। वक्त बदल रहा है राणा जी, देश में आजादी की हवा फैल रही है और ऐसे में राजा बने रहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमें आमिर कोट को मजबूत करना होगा, आमिर कोट पर चढ़ा कर्जा उतारना होगा। अगर हमने कर्जा नहीं उतारा तो सेठ गोविंद अंग्रेजी अदालत में चले जाएंगे और अंग्रेजी हुकूमत आमिर कोट के सिंहासन पर आपकी जगह आपके कुंवर चाचा जी को बिठाने में देरी नहीं करेगी। और अगर वो सिंहासन पर बैठ गए तो आपकी प्रजा का क्या हाल होगा ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अब बारी है फर्ज निभाने की। आप सोच रहे थे ना कि आप बड़े राणा जी जैसे राजा बन पाएंगे? आप अगर इस इम्तिहान में पास हुए तो आप उनसे बड़े राजा बन सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है, आपको अपने दिल या आमिर कोट में से किसी एक को चुनना होगा।